गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ें। इससे पहले के वीडियो में हमने जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा था, जो कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर और किसी पॉइंट से पास कर रही थी, वो हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वो जो इक्वेशन आई थी इक्वेशन ऑफ प्लेन की, जो कि किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर थी और किसी पॉइंट से पास कर रही थी, वो क्या थी? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू जीरो। वेक्टर ए क्या था? इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, जिससे कि ये प्लेन पास कर रहा है। और वेक्टर एन क्या था? वेक्टर एन वो वेक्टर था जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर आर किसी भी जनरल पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर था। हमें अब इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मान लीजिए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी इस वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो लेट ए बी एंड सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर एन। तो हम वेक्टर एन को कैसे लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में? वेक्टर एन इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और हम वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कि इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन। एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन। तो इस पोजीशन वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। सिमिलरली इस पोजीशन वेक्टर आर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो वेक्टर आर है, वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि हमने पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान रखा है। तो हमने वेक्टर आर को ऐसे लिखा। नाउ वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए क्या होगा? तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। ये हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। हमारे पास वेक्टर एन क्या है? कैपिटल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हमें वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए?
दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हम इसे अगर जीरो के इक्वल पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू जीरो। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म है। जब वो प्लेन किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1, z1 और किसी एक वेक्टर n के परपेंडिकुलर है जिसकी डायरेक्शन रेशियोज है a, b, c, तो हमने ये इक्वेशन डिराइव की। तो ये था इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म।